अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पेपर 2010 फर्स्ट ईयर के साथ दोबारा से सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर वन। और क्वेश्चन नंबर वन में कहते हैं कि इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन द स्ट्रिंग। कहते हैं अगर स्ट्रिंग की जो मतलब टेंशन है अगर उसको डबल कर दिया जाए तो जो उसमें स्टैंडिंग वेव डेवलप की जाती है, आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो सोनोमीटर के टॉपिक में हमने एक स्ट्रिंग को दो रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स किया था, अगर उसमें टेंशन को हम इंक्रीज करते थे तो उसकी स्पीड पे फर्क पड़ता था। तो वो कहता है कि स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा अगर हम टेंशन को डबल कर दें। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 2010 का है, क्वेश्चन नंबर वन है सेक्शन बी का। अच्छा, जो डेटा हमें दिया गया है उसके मुताबिक हमसे कह रहे हैं कि इफ द न्यू टेंशन टी डैश इज ट्वाइस या डबल टू द ओरिजिनल टेंशन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव दैट इज बी डैश। तो सबसे पहले तो देखें, हम जानते हैं एज द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड सपोर्ट्स इज v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन में। ठीक है स्टूडेंट, ये तो इक्वेशन नंबर वन कहना चाहिए। अब जो कंडीशन हमें दी गई है उसके मुताबिक, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी डैश इज इक्वल टू टी डैश ऑन म्यू। देखें उसने मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर मास डेंसिटी जिसको हम म्यू से शो करते हैं, इस पर कोई कमेंट्स नहीं दिया, सिर्फ टेंशन को इंक्रीज किया है। तो फिर हम देख सकते हैं कि टी डैश की जगह पर हम कीमत पुट करवाते हैं 2t डिवाइडेड बाय म्यू। आप इसको ऐसा कर लें कि अंडर रूट 2 इसका अलग कर लें, टी अपॉन म्यू को अलग छोड़ दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। अंडर रूट टी अपॉन म्यू की कीमत पहले ही हम देख चुके हैं इक्वेशन नंबर वन में, वो वी के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट वी डैश इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स वी। चाहे तो स्टूडेंट्स को यहीं छोड़ दें या चाहे तो आप रूट टू की वैल्यू पूरी पॉइंट्स में लिख के बता दें, 1.41 टाइम्स वी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में कहता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल बॉडीज स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ये तो सवाल बेटा वही वाला है जो इससे पहले ईयर 2009 में हम कर चुके हैं, तो बहरहाल इसको तो हम स्किप करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है हाउ इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप एंड अ माइक्रोस्कोप अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। अब वैसे तो खैर सवाल क्लियर नहीं है। देखिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, यहां माइक्रोस्कोप में दो तरह की माइक्रोस्कोप होती हैं, कंपाउंड एक सिंपल बैरल। यहाँ जो पूछा गया है वो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हवाले से बात पूछी गई है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन, पहली बात तो आप लोग ये अच्छी तरह जान लें कि मैग्नीफिकेशन का मतलब है हम कितना बड़ा एक इमेज देख सकते हैं इन कंपेरिजन विद इट्स ऑब्जेक्ट। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जिसकी एक सर्टेन हाइट है, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर, और मैं उसको किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे टेलीस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप के जरिए से देखकर मैंने उसकी जो इमेज देखी, अगर वो 5 सेंटीमीटर के बजाय 25 सेंटीमीटर की है या 30 सेंटीमीटर की है, तो मीन्स के मैंने उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके इनलार्ज करके देख लिया।
तो जो मैग्निफिकेशन की बुनियादी जो शक्ल है वो तो रेशो है बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में हमने मैग्निफिकेशन के अलग अलग फॉर्मूले ड्राइव करे हैं, जैसे टेलीस्कोप का अलग फार्मूला था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक अलग फार्मूला था. तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से बात जो होगी क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से हम कह रहे हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव. डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं इसके. फॉर इंस्टेंस हम पहले बात कर रहे हैं फॉर टेलीस्कोप की. ठीक है जी, अब देखिए टेलीस्कोप का जो हमारे पास मैग्निफिकेशन मालूम करने का फॉर्मूला था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, वो कुछ यूं था कि m इज इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाय वी. ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को ऊपर रखा गया है, आईपीस की फोकल लेंथ को बहरहाल नीचे रखा हुआ है, और इनकी रेशो जो है वो मैग्निफिकेशन बनती है. अगर मैं ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को इंक्रीज करता हूं तो डेफिनेटली टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगी. तो आप यहां लिख सकते हैं कि इफ एफ ई इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, यानी कि आईपीस की फोकल लेंथ को अगर आप कॉन्स्टेंट रखते हैं तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एफ ओ. दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के इंक्रीज होने पर यानी बढ़ जाने पर मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाती है. ठीक है जी, इसको बहरहाल आखिर में हम लिखेंगे, फिलहाल इसको एक इक्वेशन का नाम दे दें और उसके बाद फिर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करनी है. तो फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको भी देखते हैं. अच्छा, इसके लिए मैं एक काम करता हूं ना, ग्रीन वाला मार्कर इस्तेमाल करता हूं, डिफरेंट थोड़ा सा. अच्छा, अब ये हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्टूडेंट ये आप लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था क्यू ओ अपॉन पी ओ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी अपॉन एफ ई. ठीक है जी, इसमें डी जो है ब्रैकेट के अंदर ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन था. बहरहाल ये तो कांस्टेंट टर्म 25 सेंटीमीटर इन जनरल ली जाती है. फोकल लेंथ ऑफ आई पीस की उसने कोई बात नहीं करी, उसने जो बात की है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के बारे में कहा गया. अब यहाँ तो ऑब्जेक्टिव नामी कोई चीज है ही नहीं इसकी फोकल लेंथ के बारे में यहाँ पर जिक्र हो. लेकिन अगर आपको याद हो स्टूडेंट के जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर कोई शख्स मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब हासिल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के इंतहाई नजदीक रखे. इंतहाई नजदीक रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उस लेंस के बिल्कुल साथ मिला दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप उसकी फोकल लेंथ के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और जब आप फोकल लेंथ के अंदर दाखिल होंगे तो फिर तो डेफिनेटली इसकी कोई इमेज बनेगी ही नहीं. तो फिर आप कहां जाते हैं, आपने पढ़ा है उसके लिए कि फॉर एप्रोक्सीमेट मैक्सिमम वैल्यू हम पी ओ को नियरली इक्वल रखते हैं एफ ओ के, यानी इंतहाई नजदीक रखते हैं लेकिन एग्जैक्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे रखते हैं. ठीक है ना, मैं आपको याद दिला दूं आपको कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो स्केमेटिक रे डायग्राम थी उसमें कुछ आपने इसी तरह से पढ़ा था कि एक आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ करता था, एक आपके पास आईपीस हुआ करता था, उसके बाद आप इसके एक पॉइंट को डिफाइन करते थे एफ ओ. मैंने जो कहा है उसके अंदर ये नहीं है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को इस एफ ओ पे रखें, बल्कि एफ ओ से बस थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे आपने इसको रखना है, ताकि इसकी रियल इमेज, इसकी रियल और मैग्निफाइड इमेज दूसरी तरफ मिले. बहरहाल ऐसे हालात में ये डिस्टेंस यानी कि जिसको आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानते हैं ये नियरली इक्वल माना जाएगा किसके,
अच्छा ठीक है जी। फिर हमने ये भी देखा था कि जब हम इस अपने ऑब्जेक्ट को लेंस के इंतहाई नजदीक रखेंगे तो जो इसकी इमेज बनेगी वो इंतहाई दूर बनेगी फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस और इंतहाई नजदीक बनेगी फ्रॉम आईपीस। तो ऐसे हालात में हमने पढ़ा था कि उस वक्त जो इमेज का डिस्टेंस होगा दैट इज क्यू ओ वो नियरली इक्वल होगा लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। तो आपका ये जो फार्मूला लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन का ये कन्वर्ट हो जाएगा एम इज इक्वल टू ऊपर क्यू ओ की जगह एल नीचे पी ओ की जगह एफ ओ टू वन प्लस डी अपॉन एस ई। तो अब देखें आप इस फॉर्मूले से अगर तो जो रिजल्ट निकलता है वो क्या है कि आप डी कांस्टेंट है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कांस्टेंट है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कांस्टेंट है। अगर आप फोकल लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इनवर्स रिलेट करेगी विथ फोकल लेंथ। तो ऐसे हालात में आप यह लिख सकते हैं कि if L and FE are kept constant, अगर इनको मुस्तकिल रखा जाए तो magnification is inversely proportional with the focal length of objective lens। तो ये आपके पास एक दूसरी कंडीशन आई और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू में लिखे हुए दोनों रिजल्ट यानी एक टेलीस्कोप के लिए दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए इन दोनों को आप जो है वो रिजल्ट की सूरत में या कंक्लूजन की सूरत में लिखते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग? मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव and magnification for compound microscope is ये बेटा लिखिएगा नहीं इस तरह से पैरेलली तो मैंने जल्दबाजी में लिख दिया is inversely proportional to the focal length of its objective, यानी के objective की focal length बढ़ने से telescope की magnification increase होगी जबकि microscope की magnification decrease हो जाएगी। अच्छा जी उसके बाद है question number 8 कहता है इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स 50 न्यूटन इज 25 न्यूटन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर। यार ये तो मैट्रिक क्लास का बच्चा भी कर लेगा। अगर एक फोर्स आपको दी जाए जिसकी कीमत है 50 न्यूटन चले बैरल ये है आठवां पार्ट फोर्स की कीमत दे रहा है 50 न्यूटन वन ऑफ इट्स कंपोनेंट मर्जी है यार एक्स कंपोनेंट मर्जी है आपकी वाई कंपोनेंट कुछ नहीं बताया उसने ऐड कर लेते हैं चले मैं एफ एक्स की बात कर लेता हूँ स्टैंडर्ड हालत में। एक कंपोनेंट की कीमत 25 न्यूटन है तो दूसरे कंपोनेंट की कीमत क्या होगी? अब यार जिसको वेक्टर अलजेब्रा का कुछ भी नहीं मालूम वो तो फौरन सोचेगा अरे 50 में से 25 गए 25 बच गए। मगर आप तो जानते हैं मेरा कि वेक्टर के अंदर एडिशन में
या सब्ट्रैक्शन में वो रूल इस्तेमाल नहीं होता जो स्केलर में होता है। बाजों का दो वेक्टर्स सम होकर जीरो भी हो जाते हैं, तो क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, इस एतबार से हमने डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, जिनमें सबसे बुनियादी फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर या कोई सिंगल वेक्टर रिजॉल्व किया जाता है उसके कंपोनेंट्स में, स्टैंडर्ड हालत में हम कहते हैं जी एक कंपोनेंट हमारे पास है इसका एक्स कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट, जिनके दरमियान हम लोग कहते हैं कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है। तो इस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देते हैं, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमने पढ़ा है कि रिजल्टेंट जो कि इस वक्त एफ है, इसकी कीमत बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा ही है ना। तो अगर हम वैल्यूज रखें सिंप्लाइज दैट एफ की जगह पर कीमत आएगी 50 इक्वल टू एफ एक्स की जगह पर वैल्यू है 25 का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अच्छा यार, स्क्वायर से रूट कैंसिल करना है तो फिर डेफिनेटली हमें स्क्वायरिंग करनी होगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, पहले तो 50 का स्क्वायर भी करेंगे हम, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर 625 प्लस एफ वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा अगर कोई ये सोच रहा हो कि यार सर ने स्क्वायर से रूट कैंसिल क्यों नहीं किया, तो बेटे क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों के बीच में प्लस की अलामत है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर कंबाइंड स्क्वायर है, ये अलग अलग इंडिविजुअल रकमों पे लगा हुआ है। कलेक्टिवली होल स्क्वायर अगर होता तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, जैसे यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता। तो 50 का स्क्वायर और ये सारी रकमें कहां चला गया, वो रकम। फिफ्टी का हमने किया स्क्वायर जो कि बना 2500। अच्छा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 625 इस तरफ आ गया, माइनस का इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर, इसमें से आपने माइनस किया 625 को, तो एफ वाई स्क्वायर बचा 1875। स्क्वायर खत्म करेंगे स्क्वायर खत्म करने पर दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगता है, और स्क्वायर रूट जब इसका निकाला जाएगा तो वो आएगा 43.3 न्यूटन। तो ये दूसरे वाले कंपोनेंट की वैल्यू आ गई।